तो हे बच्चों गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। और हम आज फिर से खेलने वाले हैं GTA वाइस सिटी। तो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था हम लोगों ने कैसे मिशन पास कर दिया था। और मैंने आपसे लास्ट में कहा भी था कि मैं आपको शोरूम शोरूम मतलब हमारी जो मैनेजर था उसने भी कहा था कि शोरूम पे कार आ जा मतलब आ जाएंगी कल परसों में। तो आज हम चलते हैं देखने के शोरूम पे गाड़ी आई हुई है कि नहीं। एक मिनट, मैंने बाइक किसकी उठा ली है? चलो किसी कोई भी नहीं, पहले चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी बाइक भागते भागते आ चुकी है। हम लोग आ चुके हैं शोरूम पर। सामने ही शोरूम है। यहाँ पे पता नहीं किसी की जली हुई कार डली है। ओस वाव वाव, कितनी मस्त मस्त कार आई हैं। वो कह रहा है अभी तीन ही कार आई हैं सिर्फ। एक तो ये है, अभी एक ये है, और ये एक रेसिंग कार आई है, बढ़िया ये भी। और ये तो पहले थी ही। अभी मैनेजर से बात करता हूँ, दो ही कार, तीसरी कार कहाँ है? तो दोस्तों, हमारी मैनेजर से बात होगी। वो कह रहा है यहाँ पे जगह नहीं थी, इतना स्पेस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया गाड़ी। देखने चलते हैं। ओ भाई, ये गाड़ी नहीं है भाई। मैनेजर को कौन समझाए, गाड़ी नहीं है, मॉन्स्टर ट्रक है। एक बार चला के देखते हैं, हम तो इसके मैनेजर ही हैं। एक बार चलाते हैं। क्या साउंड आ रहा भाई, ऐसा लग रहा है चार चार एडजस्ट लगा दिए हुए हैं इसमें। मस्त लग रहा है ये तो। आपको मैंने गुड न्यूज़ तो सुना दी, हमारी गाड़ी भी आ गई है। और अभी इनको लेने वाला भी यहाँ पर कोई इतनी भीड़ भी नहीं है। तो और बैड न्यूज़ ये है, मतलब गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है वो। तो दोस्तों, मैं बलास गैंग से हमारी दोस्ती हो गई है। और उन लोगों ने कहा है कि सैन एंड्रियास गैंग को ख़त्म करना है। तो हम अभी वहीं पर चलते हैं सैन एंड्रियास गैंग को ख़त्म करने। अभी पहले हमें बलास गैंग के पास जाना पड़ेगा। चलते हैं बलास गैंग के पास। तो दोस्तों, हम अपनी गाड़ी भगाते भगाते आ गए हैं बलास गैंग के पास। और आप सोच रहे हो बाइक कहाँ गई? तो दोस्तों, बाइक पर उनकी मेरे संग पूरी गैंग जाएगी, इसलिए बाइक में इतने लोग नहीं बन पाते, इसलिए मैंने वहाँ से गाड़ी ले ली। तो यहाँ यहीं की पे बुलाया था, कहाँ पर बुलाया था मुझे, ये रहा यहीं पे, मैं बगल में वहाँ पे कहाँ ढूंढना हूँ यार। तो अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हमारी उनसे बात हो चुकी है। वो लोग कह रहे हैं कि तुम ले जाओ गैंग को साथ में। उनकी गैंग बैठ रही है एक दो तीन। भाई तीन में क्या हो जाएगा, उनकी पूरी फौज है बलास गैंग की। पूरी बलास गैंग की गैंग मतलब पूरी फौज है उन लोगों की। और ये बस इतनी आदमी भेज रहा है, शायद बाद में और भेज दे। तो अभी चलते हम लोग। तो दोस्तों, हम अपनी गाड़ी भगाते भगाते आ गए हैं बलास गैंग के पास। मेरे पास हथियार तो बहुत है, मतलब वेपन बहुत है। और आधे लोग तो आ चुके हैं हमारी बलास गैंग सैन एंड्रियास गैंग को अभी आ चुके हैं। तो अभी हमें लोगों मानना क्या, कौन सी गन लूँ? शॉर्ट गन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, स्नैपर लूँ या शॉर्ट गन? इसी से मारते हैं अभी इसी से मारते हैं लोगों। हमारे पास बेस्ट बेस्ट सब है। अब इनकी गाड़ी को हमने आग लगा दी है, सब मर जाएंगे अभी दो मिनट में। यहाँ पर सब मर गए हैं, यहाँ इसे ही मारते हैं। और ओनो भाई यार, छत पे स्नाइपर चलाओ। और शिट, इन सब के चिथड़े उड़ा दिए उसने। अब हमें इसे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको मार देगा। अभी ये कॉल कर रहा है अपनी और गैंग बुलाने के लिए। उनके साथ बॉस भी आ रहा, आ गया ये, आ गया आ गया आ गया आ गया, टैक्सी वाले लेके आ गया और गैंग। मारते हैं इसे। तो मैंने स्नाइपर निकाल ली है और हम उसे मारने वाले हैं। उसका निशाना एम नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ऊपर है। मर गया है दोस्तों वो। अभी उनके और साथी हैं, इसके लिए हम अपनी ये निकाल ले रहे हैं यार। ओह शिट,
और नो मैंने अपने साथी की मार दिया, ठीक हो रहा है। तो गाइस हम गाड़ी भगाते भगाते पहुंच चुके हैं हम, और नो ये पुलिस आ गई सामने, नहीं तो हमारा हमारा प्लान चौपट भी हो सकता है। पूरी ब्रास गैंग की टीम में ये गैंग बस, अभी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सॉरी दोस्तों आज की छोटी वीडियो नहीं, तो अभी चलते हम कहीं और। ये देखिए ब्रास गैंग और सैन एंड्रियास गैंग में कितनी तगड़ी लड़ाई हो रही है, मैं तो पैसे लूटूंगा, मैं भाग ले रहा हूँ नहीं तो मुझे ही मार देंगे। तो दोस्तों मैं अभी अपने व्लॉग पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो फैक्ट्री ले ली जाए, उसमें क्या जा रहा है हमारा एक बार देखते हैं, पैसे मिलेंगे तो ले लेंगे नहीं तो किसी को दे ही देंगे वो फैक्ट्री। तो चलते हैं फैक्ट्री पर। तो दोस्तों हम अपनी बाइक भगाते भगाते आ गए हैं फैक्ट्री पर, अब इसे बाय करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने फैक्ट्री बाय कर ली है, आइसक्रीम फैक्ट्री है ये, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैंने फैक्ट्री बाय कर ली है और मुझे इसमें पता है क्या मिला काम, आप हंसोगे अब बताना तो पड़ेगा ही, इसमें मुझे आइसक्रीम बेचने का काम मिला है। मुझे लगा कि मैं इसका मैनेजर बनूंगा, आइसक्रीम बेचना कोई, चलो कोई नहीं आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब भी कर दिया अगर प्लीज़ आप देख के हटा देते हो उस वीडियो। तो दोस्तों बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।